आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। विश्वकर्मा जयंती समारोह तखतपुर आसपास के क्षेत्रों में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दर्री क्षेत्र के विभिन्न क्रेशर खदानों में विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई और पूजा अर्चना की गई। विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पूरे गांव वालों के साथ मिलकर अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और सभी लोग अच्छे से इकट्ठा हुए, प्रसाद का अच्छे से वितरण हुआ और एक मानो त्यौहार जैसा यह क्या बोलते हैं विश्वकर्मा जयंती का पर्व को मनाया गया है। और विश्वकर्मा जी से भी हमारी यही उनसे प्रार्थना है कि हमारे सब जो कारोबार है उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए ग्रामीणों ने भी विश्वकर्मा पूजा में अपना भरपूर योगदान दिया। मूर्ति स्थापित करने के पश्चात पूजा अर्चना की गई, तत्पश्चात हवन हुआ। विश्वकर्मा भगवान को शिल्पकार भी कहा जाता है, इसी वजह से शिल्पकार और कारीगरी के क्षेत्र में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा भगवान जिन्हें देव शिल्पी है और देव शिल्पी माने जिन देवता है उखर शिल्पकार रही थे, भवन बनाना, ये कल पुर्जा वगैरह बनाना, ये सब विश्वकर्मा भगवान का काम है। और वहीं से एक अवतार धारण किए हुए ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते और 17 सितंबर के एक जयंती हम मनाए जाता तो वही नाम से बढ़िया धूमधाम से पूजा पाठ अर्चन वंदन है ना सब किए जाते हैं। साथ ही वाहनों की भी पूजा आज के दिन होती है। विश्वकर्मा जी की पूजा के पश्चात आसपास के ग्रामों में प्रसाद वितरण भी किया गया। मुंगेली जिला ब्यूरो, शील पाठक की रिपोर्ट।